ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः मङ्गलम् ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर चार स्वतः पूर्णः परात्मात्र स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः ब्रह्मशब्देन वर्णितः अस्मिन्त्यैक्यपरामर्शः तेन ब्रह्म भवाम्यहम् तेन ब्रह्म भवाम्यहम् परिपूर्णः परात्मा अस्मिन् देहे विद्याधिकारिणी विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये मनुष्य शरीर कैसा है विद्याधिकारी ब्रह्म विद्या का अधिकार ये मनुष्य शरीर में है अन्य शरीरों में नहीं है अन्य योनियों में ये ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं है मनुष्य देह में है और वो मनुष्य देह में जो उपलब्ध हो रहा है साक्षी चैतन्य जो है परिपूर्ण परात्मा आप जो साक्षी चैतन्य है देखो ऐसा मत मानना आप एक और एक है और साक्षी चैतन्य दूसरा है
ये बहुत बड़ी कठिनाई है। बहुत लोग आत्मा को एक तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन की तरह बोलते हैं, आत्मा ऐसा है, आत्मा ये है। तो लोग ऐसे समझते हैं आत्मा नाम की कोई वस्तु है जिसको हमें जानना है। आत्मा विषय नहीं है, आत्मा आप स्वयं हो, बुद्धि है। अब देखो साक्षी थया, आप जो है वो बुद्धि के साक्षी है, चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। लेकिन वही जो आत्मा है स्वतः पूर्ण परात्मा अत्र, और बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं वो जो परिपूर्ण आत्मा है अत्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः। परात्मा माने की देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो आत्मा है वो ब्रह्म शब्द माने अहम् ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म माने क्या है, बृहत्वाद् ब्रह्मा, जो जगत कारण ब्रह्म है, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण ये जगत है। भृगुवल्ली में कहते हैं ये देखो ब्रह्म जो कहे, ब्रह्म की व्याख्या क्या है, उपनिषद में व्याख्या करते हैं यस्माद् ये संपूर्ण जगत यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तम् अभिशम विसन्ति तद् ब्रह्म। अब देखो जिस प्रकार से विज्ञान में व्याख्या होती है एक एक वस्तु की, उसी प्रकार से यहां भी व्याख्या है, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण यह संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति है, और प्रलय के समय संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें लय हो जाता है, विलीन हो जाता है, तद ब्रह्म। तद भी जिज्ञासस्व, उनके जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासस्व माने की उनके जानने की इच्छा करो। हमने देखा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, वो ब्रह्म है। और ये जो परात्मा है, देखो बहुत सुंदर है ये, आप समझना, आप साक्षी चैतन्य आत्मा है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान नहीं है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञानम, और इसलिए आगे कहते हैं अस्मीति ऐक्य परामर्श है, ये ऐक्य का जो ज्ञान है। आप देखेंगे तो यहां क्या है, ये जगत है, आप है, और ये जगत जिसको हम देख रहे हैं ये जगत सृष्टि है। देखो ये बहुत, ये सब पारिभाषिक शब्द है, जायते गच्छति इति जगत, जिसका जन्म होता है और जिसका नाश होता है उसको जगत कहते हैं। सतत परिवर्तनशील है ये जगत, जिसका आप अनुभव कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का आप अनुभव कर रहे हैं, आप वो साक्षी चैतन्य है। बुद्धि से अहंकार से आरंभ करके संपूर्ण ब्रह्मांड तक सबका साक्षी आप है। आप जो सबका साक्षी है, जो परिपूर्ण है, ब्रह्म लक्षण कहते हैं वो, आप जो है वो ब्रह्म है, वो परात्मा जो है, परिपूर्ण परात्मा, स्वतः पूर्ण जो आत्मा है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य जो आत्मा है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है, जगत कारणम ब्रह्म। तो ये जगत जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो जगत सृष्टि है, आप समझो ठीक से, सृष्टि है माने कि उनका सर्जन हुआ है। देखो ये जो बड़े बड़े भौतिक शास्त्रीय लोग हैं, जो वैज्ञानिक है, खगोल शास्त्री है, वो लोग ये क्रिएशन शब्द से डरते हैं, अब समझो। ये जगत की उत्पत्ति की बात करते हैं, बिग बैंग हुआ सब करते हैं, लेकिन ये जगत को वो क्रिएशन नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर क्रिएशन मानी सृष्टि कहेंगे तो क्रिएटर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सर्जन के लिए सर्जनकर्ता होना चाहिए। अब देखो हमारे यहां भी है प्रकृतिवाद जिसको कहते हैं, प्रकृतिवादी जो है वो ऐसे ही कहते हैं ये प्रकृति अपने आप होती रहती है। भौतिकवादी लोग जो है, प्रकृतिवादी जो लोग है,
वो सब ऐसे ही मानते हैं कि ये जगत अपने आप ही होता रहता है, कोई उसका जगत करता नहीं है, जगत का पालन करने वाला भी कोई नहीं है। माने वो जगत का कर्ता, माने की सर्जन कर्ता को मानते नहीं है, निरीश्वर है वो लोग। वो लोग ऐसे ही मानते हैं, अपने आप होते रहते हैं। और इसीलिए ये जगत सृष्टि है, आप समझो। अगर सृष्टि है तो सर्जन कर्ता होना चाहिए। और इसीलिए आप जो साक्षी चैतन्य है और ये जगत है, वो जगत का कर्ता है। और जगत का कर्ता किसको कहेंगे हम? सर्जन कर्ता जो है, वो सर्जन कर्ता के लक्षण क्या है आप समझो। सर्जन कर्ता जो होते हैं उसमें दो होता है, एक ज्ञान होता है, कुशलता होती है। घटस्य कर्ता घटज्ञः, सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञः। तो ये परमात्मा है आप समझो, जगत कर्ता है। तो फिर दो हो गए, एक मैं हूं और दूसरा वो जगत कर्ता है। जगत कर्ता जो है, जगत कर्ता के पास जगत बनाने का ज्ञान भी है और जगत बनाने की कुशलता भी है, स्किल और नो हाउ जो अंग्रेजी में कहते हैं। और अगर वो जगत करता है तो घट को घड़ा बनाने वाला कुम्हार हो जो है, उसके बाद घड़ा बनाने का ज्ञान भी है और घड़ा बनाने की कुशलता भी है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला जो है, सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञ, और संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाला है तो वो सर्वशक्ति होना चाहिए। तो जिसको हम जगत कर्ता कहते हैं, जगत कारण जिसको हम कहते हैं, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। और मैं अपने आप को जब ये शरीर में देखते हैं तो ये सर्वज्ञ सर्वशक्ति नहीं है, अल्पज्ञ अल्पशक्ति है। आपका आपके बारे में जो अभिप्राय है, अल्पज्ञ अल्पशक्ति ही अल्पव्यापी, अब देखो। तो जब ये कहते हैं ब्रह्म है तो ठीक है, लेकिन वो ब्रह्म जो है आप है, जब आप किसी कोई आपको कहेगा तो आपके मन में संशय रहेगा कि मैं कैसे ब्रह्म हूं, मैं जगत कर्ता कैसे हूं। देखो जितने भी द्वैतवादी हैं, वो द्वैतवादी की समस्या यही है कि वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, मैं अल्पज्ञ अल्पशक्ति हूं और इसीलिए मैं कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। अब समझो, मैं ईश्वर नहीं हूं। संपूर्ण जगत का पालन करने वाला, शासन करने वाला है, वो ईश्वर है। लेकिन शास्त्र जो व्याख्या करते हैं वो क्या है? किसी भी उत्पत्ति के लिए दो कारण चाहिए, एक निमित्त कारण है जहां ज्ञान और कुशलता है। कुम्हार है वो निमित्त कारण है, लेकिन कुम्हार हवा से तो मिट्टी से घड़ा बनाना जो है, वो हवा से घड़ा नहीं बनाएगा, वो मिट्टी से घड़ा बनाएगा। तो मिट्टी जो है जिससे घड़ा बनता है उसको उपादान कारण कहते हैं। और इसीलिए ये जगत के कर्ता जो है वो निमित्त कारण है, और जिससे ये जगत बनता है वो उपादान कारण है। और इसीलिए कहते हैं तदैक्षत सो कामयत बहुस्याम प्रजा ये थी तदैक्षत तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। अब देखो वो जो ब्रह्म है उन्होंने इच्छा किया, मैं अनेक बन जाऊं, तो अनेक की उत्पत्ति की, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। प्रवेश श्रुति कहते हैं, मिट्टी ने इच्छा किया मैं अनेक बन जाऊं, वो अनेक बन गई और सब में प्रवेश कर लिया। प्रवेश माने सही में प्रवेश नहीं है, हम समझो, भौतिक रूप से मत देखो, शब्दतः अर्थ नहीं देखना है।
घड़ा जब बनेगा मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़े में मिट्टी है, माने कि घड़ा जो है मिट्टी से अलग नहीं है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश, इसलिए कहते हैं कि सृष्ट्वा कहेंगे तो वो निमित्त कारण है, लेकिन वो उपादान कारण भी है। सर्जन करने वाला निमित्त कारण है ब्रह्म, लेकिन वही ब्रह्म जो है वो उपादान कारण है। हम ये जगत में हमारा जो अनुभव है तो निमित्त कारण चेतन होता है और उपादान कारण जड़ होता है। शिल्पी जो मूर्ति बनाता है तो वो शिल्पी जो है वो निमित्त कारण है, लेकिन पत्थर जो है वो उपादान कारण है जिससे वो ये मूर्ति बनाता है। अगर पत्थर भी चेतन है तो क्या वो मूर्तिकार को मूर्ति बनाने देगा? नहीं बनाने देगा। अब समझे? तो हमारा जो अनुभव ये जगत का है कि निमित्त कारण चेतन होता है और उपादान कारण जड़ होता है, लेकिन जब संपूर्ण ब्रह्मांड का हम विचार करते हैं तो शास्त्र क्या कहते हैं? यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते। ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की व्याख्या क्या है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण ये संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति है और जिसमें ये संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है? तद ब्रह्म। अब देखो ये पंचमी विभक्ति है, जिससे मिट्टी से घड़ा बनता है उसी प्रकार से ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई। तो जैसे मिट्टी उपादान कारण है उसी प्रकार से ब्रह्म भी उपादान कारण है। तो निमित्त कारण भी ब्रह्म है। क्यों? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदैक्षत। देखा हमने इत्री उपनिषद में क्या तदैक्षत तत्सृजयति। अब देखो तो वो जो सर्जन करता ब्रह्म है वही उपादान कारण भी है जगत का। माने ये देखो ये बहुत सुंदर है, माने कि ये ब्रह्म की व्याख्या अगर हम करते हैं जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण ये जगत है और जिसमें ये जगत का लय हो जाता है, तो वो जो ब्रह्म है वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। माने क्या हो गया? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न माने दो नहीं है। जिस प्रकार से ये जगत में जो हमारा अनुभव है कि निमित्त कारण चेतन है और उपादान कारण जड़ है, माने दो अलग है, लेकिन यहां जब हम संपूर्ण ब्रह्मांड की जब हम चर्चा करते हैं तो वो भिन्न नहीं है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। निमित्त कारण भी ब्रह्म है, उपादान कारण भी ब्रह्म ही है। तो ये जब हम सुनते हैं कि ब्रह्म वो है जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई, जो जगत का पालन करने वाला है, और वो उपादान कारण है, तो जो उपादान कारण होता है जहां घड़ा है वहां मिट्टी होती है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड के उपादान कारण अगर ब्रह्म है तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां ब्रह्म नहीं है? आप समझो, अगर ब्रह्म उपादान कारण है तो ये संपूर्ण जगत जो है वो ब्रह्म मात्र है। ये जगत अपने किसी भी प्रकार का जो सर्जन है, कार्य जिसको हम कहते हैं, मिट्टी कारण है और घड़ा जिसको कहते हैं वो कार्य है, उसी प्रकार से ब्रह्म कारण है और ये जगत कार्य है। लेकिन जिस प्रकार से घड़ा अपने कारण मिट्टी से अलग नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से अगर ब्रह्म उपादान कारण है तो ये जगत जो है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता। देखो ये प्रक्रिया ठीक से समझो। तो अगर ब्रह्म उपादान कारण है तो ये जगत जो है ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति निमित्त कारण के उकार, निमित्त कारण जो भगवान है उसके कारण भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, लेकिन अगर वो उपादान कारण है तो संपूर्ण जगत ब्रह्म मात्र है, माने कि वो सर्वव्यापी है। अब देखो तो ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति मात्र नहीं है, सर्वव्यापी है। अगर ब्रह्म सर्वव्यापी है तो वो जो ब्रह्म है और मैं कैसे हो सकता हूं? क्यों? मैं तो अल्पव्यापी हूं। अस्मिन् देहे विद्याधिकारिणे परिपूर्णः परात्मा। एक देह में मैं जो परात्मा हूं,
अब समझ। तो अल्पज्ञ अल्प शक्ति अल्पव्यापी हूं मैं, और ये जगत कारण ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वो क्या है? सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है। और इसीलिए जब शास्त्र कहते हैं कि तू ब्रह्म है, तो हमारे मन में प्रश्न होता है कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? विरोधी है, आप समझो। मैं अल्पज्ञ हूं, वो सर्वज्ञ है। मैं अल्प शक्ति हूं, वो सर्वशक्ति है। मैं अल्पव्यापी हूं, वो सर्वव्यापी है। और इसीलिए कहते हैं सब ब्रह्म शब्देन वर्णित है। वो जो ब्रह्म शब्द है, इति वर्णित लक्षण युक्त। अब देखो लक्षण या उक्त, वो जो जगत कारण ब्रह्म है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वव्यापी है, वो आप है, आप समझो। और आपको भी कहना पड़ेगा अहम ब्रह्मास्मि। देखो ये महावाक्य है, बृहदारण्यकोपनिषद का जो महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो जो ऐक्य है अस्मि माने की, पहले मैंने कहा अहम माने आप है, ब्रह्म माने जगत कारण है, अस्मि माने ऐक्य है, मैं हूं। आप देखो अस्मि माने मैं हूं। तो जगत कारण ब्रह्म और आपके बीच में कोई भेद नहीं है, ऐक्य है। और इसलिए कहते हैं अस्मिति ऐक्य परामर्श, अस्मि शब्द के द्वारा ये ऐक्य का निर्देश किया हुआ है। पदद्वय सामान अधिकरण अलब का जीव ब्रह्म ब्रह्मणो हो ऐक्यम परामृश्य थे। आप जगत कारण ब्रह्म हो, लेकिन ब्रह्म जगत कारण ब्रह्म आप है, तो लक्षणा के द्वारा हमें समझना पड़ेगा। जहल लक्षणा माने कुछ त्याग करना है, अजहल लक्षणा माने कि जो है उसी में कुछ जोड़ना है। लेकिन जब ये कहते हैं ना मैं ब्रह्म हूं, बोलने में सरल है, लेकिन जब समझ में देखते हैं तो सब प्रश्न होता है, मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं? आप समझे। और इसीलिए लक्षणा करने में सीधे अर्थ करेंगे तो नहीं होगा। सीधा अर्थ तो यही है कि मैं जो हूं मैं अल्पज्ञ अल्प शक्ति अल्पव्यापी हूं, ये वाच्यार्थ है। और ईश्वर का वाच्यार्थ क्या है? वो सर्वज्ञ है सर्वशक्ति है सर्वव्यापी है। तो जीव और ईश्वर का, जीव और ब्रह्म का ऐक्य जो है वो वाच्यार्थ से पूर्वर नहीं होता, वो सिद्ध नहीं होता, आप समझो। और इसीलिए लक्षणा करनी पड़ेगी। लक्षणा माने कि आप जब कहते हैं मैं हूं, अब देखो तो आप कौन है, आपके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, मैं कौन हूं। लक्षण है उक्त है, लक्षणा करनी पड़ेगी। तो आप जब आपके बारे में सोचते हैं तो आप है कौन? अब देखो आपके बारे में आपका जितना भी ज्ञान है वो सब सापेक्ष है, आप सब देखो ऐसा मत मानना ये रिलेटिविटी थियरी 1905 में बनी, नहीं, हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्र ये सब कहता ही है, सापेक्ष है ये जगत। पहले से हम तो कहते आए कि ये जगत जो है वो सापेक्षिक है, आप भी सापेक्षिक है, आप समझो। आप जब कहते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, वो देह की दृष्टि से सापेक्ष मानी अन्य की अपेक्षा से, अन्य की अपेक्षा वहां पर है। आप जब कहते मैं पिता हूं तो पुत्र की दृष्टि से आप पिता हैं, पिछले प्रकरण में हम देख के गए, एक महिला ही है लेकिन अन्य की दृष्टि से उनके अनेक नाम पढ़ सकते हैं, ये पुत्री है, ये पुत्र वधु है, अब देखो ये बहन है, ये माता है, ननंद है, बहुत नाम पढ़ सकते हैं। लेकिन वो क्या सापेक्षिक है, अन्य की अपेक्षा से है।
तो आपका आपके बारे में जितना भी ज्ञान है वो सापेक्षिक ज्ञान है, आप ठीक से समझो, अन्य की अपेक्षा से। लेकिन अगर किसी की भी अपेक्षा नहीं है, मैं मनुष्य कहते हूं शरीर की दृष्टि से है, मैं अंध हूं या मैं देख सकता हूं वो इंद्रिय की दृष्टि से है, मैं दयालु मायालु कामी क्रोधी वो मन की दृष्टि से है, मैं ज्ञानी अज्ञानी विवेकी तो ये जो आपके बारे में आप सोच रहे हैं, आपका जो अभिप्राय है वो बुद्धि के कारण है। लेकिन आप कौन है, आप समझो, जो निरपेक्ष आप वो जो है वो कौन है। देखो साक्षी भी सापेक्ष है, आप समझना ठीक से, अन्य की दृष्टि से आप, बुद्धि की दृष्टि से आप साक्षी है, बुद्धे है साक्षी तया, आप समझो, माने बुद्धि की अपेक्षा से, बुद्धि से आरंभ करके संपूर्ण ब्रह्मांड तक जो आप देखते हैं उसके साक्षी आप है, माने वो साक्षी शब्द भी सापेक्षिक है। लेकिन स्वतः आप कौन है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप है। तो अगर लक्षण करेंगे तो आप जो है वो तो कौन है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। बाकी जितने भी आपके नाम पढ़ते हैं, बाकी जितने भी आपके लक्षण बताते हैं, वो सब सापेक्षिक लक्षण है। मैं जीव हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं आप देखो। तो यहां लक्षणा करना माने कि जो भी कोई सापेक्ष है उनका निवृत्ति करो, आप समझो, अब स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। बाकी जितने भी आप कर, देखो तो इसलिए मैं कहती हूं मैं हूं आई एम दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब आपने अध्यारोप करके रखा है, मैं हूं, हूं माने सत स्वरूप हूं, मैं माने चित स्वरूप हूं, मैं सच्चित स्वरूप हूं, यह स्वरूप है। और आपका जो सत है उनका कभी अभाव नहीं होता है, आपका जो चित्त है वो एक चैतन्य में एक ही चैतन्य है, दूसरा चैतन्य संभव है ही नहीं। देखो ये सब देख के गए, आप साक्षात अपरोक्ष आत्मा है, साक्षात अपरोक्ष स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आप है। तो दूसरा अगर आप कहेंगे तो वो परत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपको दूसरे को देखना पड़ेगा तो वो विषय कोटि में जाएगा, वो स्वतः सिद्ध नहीं रहेगा, वो परत सिद्ध हो जाएगा, आप समझो। देखो इसलिए महर्षि बहुत सुंदर कहते थे, अगर आप अपने आप को ईश्वर से अलग मानते हो तो आप अल्प हो जाएंगे, आप समझो। मैं ईश्वर नहीं हूं अगर आप कहते हैं तो फिर आप अल्प हैं, और अल्पे सुखम नास्ति, आप समझो, आपका दुख का कारण ये अल्पता, ये सापेक्ष है। जो जो आपके दुख का कारण है ये सापेक्षिता ही आपका दुख का कारण है, अल्पता ही आपका दुख का कारण है। अब सब अगर आपने अपने आप को ईश्वर से अलग कर दिया तो आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आप अल्प बन जाएंगे। और अगर देखो दोनों ओर से देखना है, जीव ईश्वर ऐक्य हमें देखना है, जीव ब्रह्म का ऐक्य अगर हम देख रहे हैं तो जीव ब्रह्म है, ब्रह्म जीव है, ऐक्य है, आप समझो। देखो इसीलिए ये ऐक्य मानी समानाधिकरण है। तो जीव जो है अगर ईश्वर से अलग है तो वो अल्प है, अगर ब्रह्म जीव से अलग है, समझना ठीक से, ये लक्षणा कर रहे हैं हम लोग। ब्रह्म जिसको हम अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो आपसे अलग अलग हो गया तो क्या होगा, सोचो, आप ईश्वर से अलग हो गए तो अल्प बन गए, सापेक्षिक बन गए। लेकिन ब्रह्म अगर आपसे अलग है, ईश्वर अगर आपसे अलग है, तो इस जगत में चैतन्य स्वरूप आत्मा आप एक ही है, अन्य चैतन्य नहीं है। देखो साक्षात अपरोक्ष जो चैतन्य स्वतः सिद्ध, देखो ये सब शब्द आवश्यक है, अब देखो
साक्षात अपरोक्ष स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य जो है वो एक है, वो आप है। आपसे अन्य जो भी है वो दृश्य है, जड़ है, अनित्य है। तो आपसे अगर, जीव से अगर ब्रह्म अलग हो गया तो ब्रह्म भी क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। आप समझो, तो जीव ब्रह्म से जीव अलग है तो जीव अल्प हो जाएगा, और ब्रह्म जीव से, ईश्वर जीव से अलग है तो ईश्वर दृश्य कोटि में हो जाएगा, वो जड़ हो जाएगा। ठीक में समझ में आता है? लक्षणा या युक्त, लक्षणा करनी पड़ेगी। वाच्यार्थ अगर देखेंगे तो जीव ब्रह्म से अलग है तो वो अल्प है, और ब्रह्म अगर जीव से अलग है तो वो जड़ बन जाएगा। देखो, इसीलिए बहुत ये समझना है ठीक से हमें। अगर आप कहते हो मुझे कृष्ण दर्शन हुए, मुझे राम भगवान के दर्शन, बहुत सुंदर है, ऐसे दर्शन नहीं होते। आप समझो, हम ईश्वर दर्शन के, कृष्ण दर्शन या राम जी का दर्शन आपको हुआ वो हम मना नहीं कर रहे हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है जब आप भगवान का साक्षात्कार करते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन हुए आपको, फिर क्या? भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने आपको वरदान दिया, फिर क्या है? भगवान गए, भगवान जितनी जल्दी आते उतनी जल्दी चले जाते, तथास्तु करके चले जाते हैं। अब देखो, ध्रुव को यही तो हुआ है। हम लोग मानते हैं कि ध्रुव को तो ध्रुव लोग भगवान ने दिया है, वो वहां खुश नहीं है, क्यों? उनके लिए भी यही हुआ। ओम नमो नारायण आय, वो नारायण नारायण करते, नारायण आए सामने, भगवान नारायण सामने हो गए, भगवान के दर्शन हुए। अब देखो, और भगवान ने जब कहा वरदान मांग लो, तो वो पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते थे, पिताजी का राज्य उनको नहीं मिलने वाला था, वो दुख उसके मन में था, और इसलिए वो ध्रुव लोक मांग लिया। अब जैसे देखो, ये भगवान को जैसे आप मांगेंगे ना, भगवान तुरंत तथास्तु करके भगवान चले जाते हैं। ध्रुव को भी वही हुआ, भगवान आए, भगवान ने वरदान, आपने वरदान मांग लिया, भगवान नारायण चले गए। इसलिए मैं कहती हूं, अगर राम भगवान के दर्शन आपको हो गए तो श्री राम आए, आपको दर्शन दिया और भगवान गए, माने क्या है? भगवान कौन बने? आया राम, गया राम बन गए अब आपके भगवान। अब देखो, तो क्या आया राम गया राम है भगवान? नहीं, ध्रुव को भी वही हुआ, बाद में उसे अक्कल आई, अरे रे, साक्षात आनंद स्वरूप परमात्मा मेरे सामने थे, वो परमात्मा को मैंने नहीं मांग लिया, ये ध्रुव लोक को मांग लिया, मैं भगवान से अलग हो गया, दुखी हो गए। अगर आप ईश्वर से अलग हैं तो अवश्य आप दुखी होंगे, आप ठीक से, और भगवान आपसे अलग है तो भगवान जड़ दृश्य हो जाएंगे। आया राम गया राम हो गए, भगवान का दर्शन हुए, यदृश्यम तद जड़म तद अनित्यम। अब देखो, देखो इसलिए मैं कहती हूँ, वेदांत के जितने जो ये वाक्य है ना, मुख्य वाक्य, इसको किसी भी तर्क से आप नकार नहीं सकते हो, उसका वाद आप नहीं कर सकते हो। यद दृश्यम तद जड़म, आप समझो, तो अगर भगवान भी दृश्य कोटि में आ गए तो भगवान भी जड़ है, अनित्य है। आप समझो, और इसीलिए अगर वाच्यार्थ हम देखेंगे तो ब्रह्म से जीव अलग है तो वो अल्प है, और ब्रह्म जीव से अलग है तो वो दृश्य कोटि में जड़ हो जाएंगे, क्योंकि एक चैतन्य जो है एक आप ही है, और इसीलिए लक्षणा करनी पड़ेगी। आप सच्चित स्वरूप हो और आपको मत, देखो चैतन्य एक है, मानी क्या हो गया? एक है, मानी कि अन्य कोई मर्यादित करने वाला अन्य कोई है ही नहीं, और इसीलिए आप अनंत है, आपका कोई अंत, कोई मर्यादा संभव है ही नहीं। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी क्या है? वो भी सत स्वरूप है, वो भी चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखो,
तो वाच्यार्थ में विरोध है। लक्षणाया युक्त, अगर लक्षणा हम करेंगे तो आपका जो स्वरूप है वो तो सच्चिदानंद है, और ब्रह्म का हम लक्षण करेंगे तो ब्रह्म भी सच्चिदानंद है। अब समझो, देखो ये तर्क समझना है। तो लक्षणा क्या होगी? अगर ये सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, ठीक से देखो, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है तो ज्ञान और शक्ति जो है, ज्ञान और शक्ति जड़ में होती है या चेतन में होती है? ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य होता है, शक्ति का अधिष्ठान भी चैतन्य होता है। ठीक से देखना, सुख का अधिष्ठान भी चैतन्य होता है, जड़ नहीं हो सकता। जड़ में दुख नहीं होता है, सुख नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान नहीं होता है। तो अगर वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है तो वो भी चैतन्य स्वरूप होने चाहिए, वो भी स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है, आप भी स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। और इसलिए लक्षणा से अगर हम देखते हैं तो आप जीव ब्रह्म ऐक्य लक्षणायुक्त। तो इस प्रकार से जब लक्षणा करते हैं तो लक्षणा के द्वारा हमें समझ में आता है कि मैं ब्रह्म हूं। वाच्यार्थ से तो आप ब्रह्म नहीं है, वाच्यार्थ से देखेंगे तो आप भक्त हैं। देखो इसीलिए हनुमान जी जब पहली बार श्री राम को मिलते हैं तो श्री राम ने पूछा, आप कौन है? देह दृष्ट्या तू दासो हम, ये देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं। देखो इसीलिए संपूर्ण जीवन ईश्वर के दास के रूप में ही जीवन जीना है हमें। मैं ईश्वर का भक्त हूं, दास हूं। जाही पीती राखे राम, ताही पीती रही। देह से तो हम सब ईश्वर के दास है, भक्त है। जीव दृष्ट्या तु तवे तदेव अंश, जीव की दृष्टि से आपका ही अंश हूं मैं। देखो, देह की दृष्टि से आप दास है, जीव की दृष्टि से आप अंश है। आत्मा दृष्ट्या तदेवा हम, आत्मा की दृष्टि से भगवान देखेंगे तो आप और मैं एक ही हूं। इति में दृढ़ मति ही, ये मेरी दृढ़ मति है, मेरा दृढ़ ज्ञान है भगवान। अब वही हमें करना है। उपाधि से तो हम भगवान के भक्त ही है, भगवान के सेवक है। जीव की दृष्टि से भगवान का अंश है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से अगर देखते हैं तो जीव ब्रह्म ऐक्य। और जिसने ये ऐक्य समझ लिया है वो क्या कह सकता है? अहम् ब्रह्मास्मि। जब गुरु उपदेश करते हैं और गुरु के उपदेश के श्रवण से जब समझ में आ जाता है तो वो भी कह सकता है अहम् ब्रह्मास्मि। और इसीलिए ये अहम् ब्रह्मास्मि जो है बृहदारण्यकोपनिषद में इस प्रकार से निरूपण करके दर्शाया कि ब्रह्म का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अलग, लक्ष्य एक ही है, वाच्यार्थ में भेद है। ए तद वाक्य गतेन अस्मि इति पदेन पदद्वय समानाधिकरण्य। अब देखो, अस्मि के द्वारा वो दोनों लक्षणा से एक ही है। जीव ब्रह्मण ऐक्यम परामृश्यते अतः आह अस्मि इति तेन ब्रह्म भवामि अहम्। भवामि मानी है, बनना नहीं है। और इस प्रकार से जब ये समझ में लक्षणा के द्वारा ये समझ में आ जाता है कि विरोध है वो वाच्यार्थ में विरोध है, लक्ष्यार्थ में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। आप भी वो सच्चिदानंद है, परमात्मा ब्रह्म भी वही सच्चिदानंद है। और ये जीव ब्रह्म ऐक्य का जो ज्ञान है वो ही आपके लिए मोक्ष का साधन है। देखो आप समझो ठीक से, अगर ऐक्य ज्ञान है तो फिर ईश्वर और जीव का चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है तो वहां ऐक्य का ज्ञान संभव नहीं है, और ऐक्य का ज्ञान ही नहीं है तो मोक्ष भी संभव नहीं है। और इसीलिए जीव ब्रह्म का जो ऐक्य का ज्ञान है वो ऐक्य के ज्ञान से ही हमें समझ में आता है कि आप ब्रह्म स्वरूप है।
वाच्यार से भले कितने भी विरोध है, लेकिन लक्षणा से अगर आप देखते हैं तो ब्रह्म भी सच्चिदानंद स्वरूप है, आप भी सच्चिदानंद स्वरूप, और इसीलिए ये ऐक्य ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति है। आप ऐसा मत मान, मैं सच्चिदानंद बोलने से कुछ नहीं होता है, जय सच्चिदानंद कहने से कुछ होता नहीं है, आप समझो। जो सच्चित है वो आप जानते हैं, लेकिन आप आनंद स्वरूप है, आप अनंत है, आपकी अनंतता ऐक्य से प्राप्त होती है, आप अनंत ब्रह्म स्वरूप है, ये जानने से ही आपकी अनंतता की प्राप्ति होती है। अगर ये ब्रह्म को आप नहीं जानेंगे, ब्रह्म को आत्म स्वरूप नहीं जानेंगे, तब तक अनंतता की प्राप्ति नहीं होगी। एक देह में बैठकर ही आप बोलते रहेंगे मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, इसलिए महर्षि कहते थे कि एक देह में बैठकर अगर आप कह रहे हो कि मैं ब्रह्म हूं तो वो कच्चा वेदांती है, लक्षणा करनी पड़ेगी, ईश्वर को जानना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार मैं ये कहती रहती हूं कि जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है वो वेदांत है ही नहीं, वो वैदिक है ही नहीं, आप समझना ठीक से। आजकल लोग क्या क्या करते रहते हैं और अपने को वैदिक, उसमें कोई वेद है ही नहीं, कोई वैदिकता नहीं है, न ईश्वर को मानते हैं न भक्ति को मानते हैं, अब देखो न मंदिर को मानते हैं न भगवान को मानते हैं, और वो अपने आप को वैदिक कहते हैं, अब समझो। ईश्वर है, भक्ति है, मंदिर है, पूजा है, पाठ है, आप समझो, ये आपका दैनिक जीवन है, आप उससे मूड नहीं सकते हो। इसीलिए गीता में भगवान बार बार कहते रहे कि अर्जुन मेरी भक्ति तो आवश्यक ही है, मत चित्त मत गत प्राण मन मना मत भव मत भक्त। आप देखो कितनी बार भगवान ये कहते हैं, क्यों कहते हैं, मई चनन्य योगे न भक्ति ही अव्यभिचारिणी। देखो ये एक है, एक मूल्य है, 20 मूल्यों दर्शाए, उसमें एक मूल्य ये है अर्जुन मुझ में अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अनन्य योगे न, और इसीलिए ये जीव ब्रह्म का जो ऐक्य है वो ऐक्य से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मात्र मैं सच्चिदानंद हूं कहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। और इसीलिए यहां कहते हैं कि इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये महावाक्य आता है अहम ब्रह्मास्मि, अस्मि माने कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य लक्षणा के द्वारा, वो ऐक्य जो समझता है वो ही समझ सकता है कि मैं ब्रह्म हूं, और एक बार जिसको ये मैं ब्रह्म हूं ज्ञान हो गया उनको मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य होती है। ज्ञान, आप देखो ज्ञान और मोक्ष जो है ना युगपत है, अपने को ब्रह्म जानना वही मोक्ष है, बाद में नहीं है, संस्कृत में उसको युगपत कहते हैं, युगपत माने एक ही समय पर, अंग्रेजी में उसको साइमल्टेनियस कहते हैं, एक ही क्षण में दो बात होती है, लकड़ी को काटना और दो होना, एक ही है, एक ही क्षण में है। उसी प्रकार से आपको ब्रह्म जानना और मोक्ष होना, ज्ञान और मोक्ष दो नहीं है, ज्ञान ही मोक्ष है, आप समझो। एक बार आपने जान लिया मैं पूर्ण ब्रह्म हूं वही मोक्ष है, आप समझो। दो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, रज्जु का ज्ञान होना और सर्प की निवृत्ति होनी दो है नहीं, साइमल्टेनियस है, एक ही क्षण है। जिस क्षण आपने रज्जु को जा, जिस क्षण आपको रस्सी का ज्ञान हो गया उसी क्षण वो सर्प नहीं रहेगा। अब देखो युगपत कहते हैं उसको, उसी प्रकार जिस क्षण आपने अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लिया वही मोक्ष है, और मोक्ष है माने जीवन मुक्ति, पिछले प्रकरण में देख के गए वो जीवन मुक्ति है,
वो जीवन मुक्ति का अनुभव है। देखो उसी को ये शंकराचार्य जी अनेक प्रकार के प्रकरण ग्रंथ लिख के गए, ये पंचदशी विद्यारण्य मुनि का दृग्दृश्य विवेक देखो, अपरोक्षानुभूति देखो, आत्मबोध देखो। तो वेदांत में मुख्य उपनिषद और भगवत गीता है, लेकिन साथ में अनेक प्रकरण ग्रंथ है। उसी प्रकार से सिद्धि ग्रंथ कहते हैं, ये सिद्धि ग्रंथ जो है ना, नैष्कर्म सिद्धि ग्रंथ शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा है। इतने विस्तार से, इतने तर्कबद्ध से उन्होंने समझाया है कि आत्मा नैष्कर्म, आत्मा में कर्म ना, आप कभी कर्म करते ही नहीं हो। अब देखो आप करता है ही नहीं, आप जब अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे हो तब भी आप करता है ही, नैष्कर्म सिद्धि है, उसको सिद्धि ग्रंथ कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो जीवन मुक्ति है, स्वराज्य सिद्धि, ये जीवन मुक्ति का आनंद क्या है? स्वराज्य सिद्धि, इष्ट सिद्धि। इष्ट माने आप जो इच्छा कर रहे हैं, आपकी इच्छा तो सुख की है, आपकी इच्छा जो है वो अनंत की है, अनंत सुख की आपकी इच्छा है, वो इष्ट की सिद्धि कैसे होती है? वो इष्ट सिद्धि ग्रंथ में। उसी प्रकार से मधुसूदन आचार्य जी ने लिखा है अद्वैत सिद्धि है, दूसरा है ही नहीं। आप समझो आप ही है जो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और इसीलिए आप वो ब्रह्म स्वरूप है। लक्षणा से अगर आपने जान लिया तो वो ज्ञान जो है, जीव ब्रह्म ऐक्य का जो ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान है, देखो ये अहम ब्रह्मास्मि बोलने की बात नहीं है, आप समझना। बहुत सारे लोग ये अहम ब्रह्मास्मि ये जप करने की बात नहीं है, जप भगवान के नाम का होना है, अहम ब्रह्मास्मि का नहीं। जिस क्षण आपने जान लिया मैं ब्रह्म हूं, उसी क्षण आपका मोक्ष भी है, वो जीवन मुक्ति है। और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से, ब्रह्म भवामि अहम, मैं ब्रह्म हूं। आपको ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म जान लिया माने ब्रह्म से ऐक्य आपने जान लिया, वही आपका मोक्ष है। ये हो गया दूसरा महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। अब कल ये ऋग्वेद मैत्री उपनिषद का प्रज्ञानम ब्रह्म वाक्य हमने देखा, यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद का अहम ब्रह्मास्मि वाक्य हमने देखा, उसी प्रकार से तीसरा सामवेद में छांदोग्य उपनिषद का तत्वमसि वाक्य है, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महेशाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्य शालिनी, देशो यं शोभरहितः, ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।